आज कहानी रोहित शर्मा की, जिनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाए। उन्हें सालों माता पिता से दूर रहना पड़ा। कड़े संघर्ष और मेहनत से सफलता की बुलंदी को छुआ। बचपन में एक कमरे के घर में रहने वाले रोहित शर्मा आज 30 करोड़ के बंगले में रहते हैं। उनकी प्रेम कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले गुरुनाथ शर्मा, जो एक ट्रांसपोर्ट फर्म में स्टोर हाउस में केयर टेकर का काम करते और महाराष्ट्र के नागपुर में बंसोड़ में एक छोटे से कमरे में रहते। इनकी शादी विशाखापट्टनम की पूर्णिमा शर्मा से हुई। दोनों के दो बेटे हुए, एक विशाल शर्मा और दूसरे 30 अप्रैल साल 1986 को जन्मे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। पिता गुरुनाथ शर्मा इतना नहीं कमा पाते थे कि वो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करा सके और घर का खर्चा उठा सके। इसलिए रोहित शर्मा को दादा दादी और चाचा चाची के साथ बोरीवली में रहना पड़ा। वो हफ्ते में दो बार माता पिता से मिलने चले जाते। रोहित शर्मा के छोटे भाई विशाल शर्मा अपने माता पिता के साथ ही रहे। रोहित शर्मा पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन उनका रुझान क्रिकेट की तरफ गया। वो टीवी पर आने वाले किसी भी मैच को मिस नहीं करते। अपने मोहल्ले में दोस्तों के साथ खूब क्रिकेट खेलते। क्रिकेट की उनकी दीवानगी को देखते हुए उनके चाचा जी ने साल 1999 में रोहित शर्मा को एक क्रिकेट कैंप में ज्वाइन करा दिया। वहां कोच के रूप में मिले दिनेश लाल। 13 साल के रोहित शर्मा कैंप में बॉलिंग की प्रैक्टिस करते और कभी कभी बल्लेबाजी भी करते। कोच दिनेश लाड ने बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पर ध्यान देने को कहा। साथ में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने की सलाह दी, जहां दिनेश लाड खुद कोच थे और उस स्कूल में क्रिकेट की बेहतरीन फैसिलिटी थी। रोहित शर्मा अपने शुरुआती मैचों में 8वें नंबर पर खेलने जाते। धीरे धीरे उनकी बैटिंग में सुधार हुआ। स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें मुंबई की अंडर 20 टीम में खेलने का मौका मिला। तारीख थी 23 जून और साल 2007। रोहित शर्मा ने 21 साल की उम्र में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला। पहला शतक साल 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया। साल 2013 तक आते आते वो इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज बन गए। 108 वनडे मैच खेलने के बाद साल 2013 में टेस्ट करियर की शुरुआत वेस्ट इंडीज के खिलाफ की और शतक जड़ा। IPL, T20 क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट, रोहित शर्मा ने सभी में बेहतर बल्लेबाजी की। साल 2018 में इंडियन क्रिकेट टीम की कमान मिली। वनडे क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं, इसलिए उनको हिटमैन का खिताब मिला। साल 2015 में अर्जुन अवार्ड और साल 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किए गए। रोहित शर्मा को एक नहीं, जिंदगी में 4 बार प्यार। सबसे पहले स्कूल में 11वीं क्लास में एक लड़की से मोहब्बत हुई, पर स्कूल खत्म हुआ तो ये रिश्ता भी खत्म हो गया। जब एक स्टार क्रिकेटर बन गए, तब ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस से भी उनका नाम जुड़ा, पर ये भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में रोहित शर्मा की मुलाकात हैदराबाद की एक लड़की से हुई, जो उनकी फैमिली फ्रेंड थी, पर ये भी रिलेशन खत्म हो गया। चौथी बार फिर साल 2015 में रोहित शर्मा ने रितिका सचदेह से शादी की। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों की पहली मुलाकात एक एड शूट के जरिए हुई। रितिका एक कंपनी में स्पोर्ट्स मैनेजर थी, जो रोहित शर्मा और कई अन्य क्रिकेटर को हैंडल करती थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और ये प्यार में बदल गई। साल 2018 में बेटी समायरा के रोहित शर्मा पिता बने। रोहित शर्मा के पिता गुरुनाथ शर्मा के पास एक कमरे का घर था, लेकिन आज रोहित शर्मा मुंबई के वर्ली में 4 BHK के अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। लोनावाला में करीब 5 करोड़ का घर है। लेम्बोर्गिनी, रोल्स, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा सुजुकी और हायाबुसा बाइक जैसी लग्जरीज गाड़ियां हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।